पर सरे दे पापड़ वे मैं खांदी ना, तू करे ना आकड़ वे मैं सेंदी ना। छणा छणक तेरी बुद्धि मेरे हाथ, मेरी गुत तेरे, जे तू रखना है रख, जे तू कटना है कट। मैं तेरे नल वसियां के होर कोई वसे भी ना, मैं तेरे नल कटियां के होर कोई कटे भी ना। हो हेलो एंड वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ संदेश शौलक शर्मा। और आज वुमेन्स डे है, वुमेन्स डे का खास दिन है, महिलाओं के लिए दिन है। मैं ये नहीं कहूंगी कि हमारे देश की महिलाएं, पूरे दुनिया में महिलाएं आज हर जगह पर चमक रही हैं, हर जगह पर छाई हुई हैं। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि सिर्फ आज के समय में, बहुत साल पीछे भी जाए ना तब भी महिलाओं का एक ऐसा दबदबा था ना, ऐसा अहम भूमिका थी हर क्षेत्र में कि उनको आज भी हम याद करते हैं। एक ऐसी ही लेजेंडरी सिंगर हमारे साथ हैं, ऐसे सिंगर जो जब भी उनका गाना चलता है ना आज भी, तो आप ये नहीं कहते कि ये पुराना गाना है, आप ये कहेंगे कि ये सदाबहार गाना है। जी हाँ, अमृतसर दे पापड़ सुना होगा आपने, उनकी ज़ुबान से भी ज़रूर सुनेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, वेलकम करते हैं डॉली गुलेरिया जी का। वेलकम टू पंजाब के श्री नवोदय टाइम। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। कैसे हैं मैम आप? बिल्कुल बढ़िया मैम। आपसे जब भी मिलते हैं ना तो ऐसा फील होता है कि मतलब इतनी फ्रेशनेस होती है ना, फील बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू बच्चे, थैंक यू मैम। सबसे पहले ना याद ताज़ी करेंगे आपका, एक जो वैसे सारे सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, बस अमृतसर दे पापड़। अच्छा, शुरू ही उतो करना पहला होर कोई गल्ला कर लेंदे हैं पंजाबी मैम, इन्ना इन्ना वधिया लगता है ना। अमृतसर दे पापड़ वे मैं खांदी ना, तू करे ना आकड़ वे मैं सेंदी ना। छणा छणक तेरी बुद्धि मेरे हाथ, मेरी गुत तेरे, जे तू रखना है रख, जे तू कढ़ना है कढ़। मैं तेरे नल वसियां के होर कोई वसे भी ना, मैं तेरे नल कटियां के होर कोई कटे भी ना। हो हाँ मैम, जैसे मैंने पहले बोला था ना कि इस सॉन्ग को हम ये नहीं कह सकते कि पुराना ही, तो सदाबहार है और बहुत खूबसूरत, आज भी आपने उतना ही सुंदर गाते हो। लोकगीत कभी भी नहीं मरते। हाँ। लोकगीत हमारी जान है, हमारे कल्चर का हिस्सा है, हमारा सभ्याचार इन लोकगीतों पर डिपेंड करता है, सो लोकगीत कभी नहीं मरते। अच्छा मैम, जैसे मैंने बोला था ना पहले कि अब हम कहते हैं कि आज किस टाइम पे महिलाएं हैं जो वो हर जगह पे हैं, हर फील्ड में हैं, लेकिन एक बात ये भी सच है कि पहले शायद इतने उठती नहीं थी बात, लेकिन लेडीज़ हैं जो, वुमेन हैं जो, वो हर फील्ड में आज से 50 साल पहले भी थी। औरतों को भगवान ने बनाया ही ऐसा है कि हर घर में एक माँ है, और वो घर तभी पनपता है जहाँ माँ होती है। सो माँ एक औरत है, मैं भी एक औरत हूँ, एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी अ वुमन। और मैं सारी दुनिया की औरतों को आज शुभकामनाएं देती हूँ कि जैसे डट के सारी दुनिया से लड़ती हैं, अपने परिवार से लेके दुनिया तक उनकी लड़ाई जो है मशहूर है, क्योंकि वो सही काम के लिए हमेशा लड़ती है। औरत में ये ताकत भगवान ने दी है, सो मैं सबको बहुत सारी शुभकामनाएँ देती हूँ। ऐसे ही लड़ते रहो और अपना हक पूरा लेके रहो। अच्छा मैम, आपके तो फैमिली से, आपसे पहले भी और आपके बाद भी आपकी बेटी आपके साथ है, तो उन्होंने तो आपकी तो फैमिली में पीढ़ी दर पीढ़ी बोलते हैं ना कि आगे नाम रोशन ही किया है उसके बारे में। बिल्कुल, ये माँ की देन है। माँ ने ऐसा मकाम हासिल किया है, और उस समय में जब औरतों को बिल्कुल भी गायकी के फील्ड में आना या लाना फैमिली की तरफ से एक तरह से मुश्किल ही होता था। अच्छे घर की लड़कियां कभी स्टेज पे जाके परफॉर्म नहीं करती थी, वो अच्छा नहीं माना जाता था। पर माँ और बड़ी मासी प्रकाश कौर ने मिलके, दोनों बहनों ने इस रीत को तोड़ा और दुनिया में अपना नाम कमाया। और मैं इस चीज़ के लिए बड़ी घमंड से कहती हूँ, मुझे गर्व है कि मेरी माँ और मासी ने ये रुतबा हासिल किया, और उनके जैसी दोबारा वो दो बहनें दोबारा आई नहीं। वो शख्सियतें, बहुत लोग आए हैं सिंगिंग में, बहुत प्रोफेशन में, बहुत आगे तरक्की हो गई है, पर वो आवाज़ें नहीं मिलती। मैं खुद उसी का हिस्सा हूँ, पर मेरी माँ और मासी के जैसा नहीं। मेरी बेटी मेरे साथ गाती है और मेरी बेटी की बेटी भी गाती है, सो उस चीज़ का मुझे बहुत गर्व है कि ये ट्रेडिशन हमारे घर की है, ये हमारे घर की है। हमको किसी ने नहीं बोला कि आप ज़रूर करो, वो नेचुरली हमारे अंदर है, हमारे खून में है संगीत।
और वो संगीत कभी मरता नहीं। गॉड गिफ्ट, गॉड गिफ्ट। वैसे मैम एक चीज़ जो आवाज़ है उसको लेके हमेशा ये बात कही जाती है कि अगर मैं चाहूँ कि मैं गाना चाहूँ तो मैं नहीं गा सकती, ये भगवान की देन है, गॉड गिफ्ट है और साथ में रियाज भी है, ये सच है ना? आवाज़ तो भगवान की देन है, इसमें कोई शक नहीं, पर अगर कोई सीरियसली गाने को एक प्रोफेशन बनाना चाहे, प्रोफेशन बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, गुरु से शिक्षा लेनी पड़ती है, तालीम हासिल करनी पड़ती है, गुरु की सेवा करनी पड़ती है और अबव ऑल रियाज़ करना पड़ता है। रियाज़ के बिना, गुरु के बिना गति नहीं और रियाज़ के बिना भी गति नहीं। सो इसलिए प्रोफेशन में जाने के लिए, किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सो सिंगिंग इज़ गॉड्स गिफ्ट एडिशनल। आपको इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, पर आवाज़ जो है उसके लिए कोई ऐसा काम नहीं करना पड़ता, ये रब की बख्शिश है। ये बिल्कुल सच है। अच्छा मैम, जब भी होता है ना एक जर्नल जो हमारे बीच में एक आम सी बात चलती है ना, डॉक्टर है डॉक्टर के बच्चे, डॉक्टर इंजीनियर है इंजीनियर के बच्चे, है ना, ये एक बहुत ही कॉमन सी बात है और सिंगर्स को लेकर ऐसा सोच लेते हैं, लेकिन हो नहीं सकता जब तक भगवान की दया ना हो, है ना। आप में वो आई, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, आपकी बेटी की आवाज़ मैं देखूंगी अभी, उनके बच्चों का, मतलब आप लोग कैसा, ऐसा क्या होता है माइंडसेट शुरू से बच्चों का होता है कि हमने सिंगिंग में जाना है, या फिर घर का एटमॉस्फेयर, या फिर बातें सुन के कैसा ऐसा होता है कि आगे के आगे सिंगिंग? मैं एक बात बताऊंगी कि आप कभी भी ये चीज़ को देखना कि एक आवाज़ दूसरी आवाज़ से 100% कभी भी नहीं मिलती। हम टेलीफोन सुनते हैं, टेलीफोन पे कोई बात कर रहा होता है, हमको पता लग जाता है ये उस फैमिली का है, या कई कई बार ही धोखा हो जाता है कि हम बात माँ से करना चाहते हैं तो बेटी फ़ोन उठा लेती है, तो उसकी टोन भी माँ के जैसी होती है। एक फैमिली में टोन्स एक जैसी होती हैं, सो वो एक डीएनए है, वो एक माँ की आवाज़ बेटी, बेटी की आवाज़ नाती, ये नेचुरल है। हम तीनों जब मिलके गाती हैं तो हमारी सारी आवाज़ एक हो जाती है, पता नहीं लगता कौन गा रहा है। सो ये भी एक नेचुरल। अच्छा आपको मैम इस चीज़ का कितना, कैसा फील होता है कि माँ डॉली गुलेरिया, नानी सुरिंदर कौर? बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है, और मेरे लिए एक इतना आप सोच सकते हैं कि इट्स सच अ ह्यूज बेंचमार्क। तो मैं तो अक्सर बोलती हूँ कि नानी तो वो बरगद का पेड़ हैं जिनकी बहुत ही ठंडी मीठी छांव मेरी माँ है, और मैं तो सिर्फ एक छोटा सा घास नीचे अपना सिर निकाल के देख रहा है कि मेरे ऊपर कितना बड़ा पेड़ है। सो उस दरख्त की, उस रुख की जो जड़ें हैं उन्हें कभी भी सूखने ना दूँ और उन्हें इसी तरह सुरीला बनाए रखूँ, मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अच्छा जाते जाते टाइम बहुत कम है मैम, मैम की आवाज़ में सुन लिया आपकी आवाज़, कट्ठे गाते हैं आज मेले का माहौल है, CP67 मॉल में इतना खूबसूरत दीवार्स क्लब वालों ने ये ऑर्गेनाइज किया है, सो मेले की बात करते हैं। मिले चल मेले कर कली दा नहीं जी लगदा, मिले चल मेले कर कली दा नहीं जी लगदा, मिले चल मेले नू। थैंक यू सो मच मैम, ये बात सच है, जो सुरिंदर कौर की आवाज़ थी वो बहुत खूबसूरत थी, आपकी भी बहुत खूबसूरत है, और ये भगवान का एक, आपकी फैमिली पर वो बोलते हैं ना बख्शीश है कि मैम आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। कैमरामैन अमित के साथ संदेश ओलक शर्मा, पंजाब के श्री नवोदय टाइम, थैंक यू।